जीवन में कुछ लोग मजाक करते हैं, कुछ लोग मजाक बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव मजाकिया होता है। लेकिन अगर मजाकिया स्वभाव के कारण कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो किसी की भी समझ से परे हो, तो एक ऐसी ही कहानी के साथ मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ फियर बॉक्स में। ये कहानी है निधि की, जिसका टाइटल है हाथ हाथ। निधि की एक बड़ी कंपनी में नई नौकरी लगी थी। मजाकिया और तपाक से जवाब देने वाले स्वभाव की निधि किसी से भी पंगे ले लेती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके इस मजाकिया स्वभाव की वजह से किसी को ठेस भी पहुंच सकती है। और एक ऐसा ही मजाक अपेक्षा के दिल को ठेस पहुंचा गया। अपेक्षा उसी की कंपनी में उसी के साथ काम किया करती थी। अपेक्षा स्वभाव से तेज और काम में हमेशा अव्वल रहने वाली लड़की थी। वो निधि के इस तरह के मजाक को सह नहीं सकी। अब अपेक्षा किसी भी तरह से निधि से बदला लेना चाहती थी। उसने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर निधि को सबक सिखाने का प्लान बनाया। निधि को डराने के लिए अपेक्षा ने निधि को किसी बहाने से ऑफिस के बेसमेंट में बुलाया और बेसमेंट के एक अंधेरे कमरे में निधि को बंद कर दिया। अपेक्षा और उसके चार साथी निधि को डराने के लिए अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगे। यहां निधि का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था और वहां अपेक्षा को इन कामों में मजा आ रहा था। सभी ने सोचा कि निधि को उस कमरे में अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं और लंच ब्रेक के बाद उसे उस रूम से बाहर निकाल देंगे। सभी ने हामी भरी और लंच करने चले गए। वक्त बीत गया। सभी लोग ऑफिस में अपना काम करते करते भूल ही गए कि निधि बेसमेंट में फंसी हुई है। और ऑफिस शटडाउन के बाद सभी लोगों ने दिवाली और वीकेंड की बधाइयां देते हुए अपने अपने घर की ओर रुख किया। अब यहाँ निधि को बेसमेंट में कई दिन गुजारने थे। बेसमेंट में होने की वजह से निधि के मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट में उसने कुछ ढूंढना चाहा, लेकिन उस कमरे में सिर्फ एक अलमारी ही थी जिसके सहारे वो टिक कर बैठ सकती थी। निधि बे इंतहा डर गई थी और उसके मोबाइल ने भी थोड़ी ही देर बाद उसका साथ छोड़ दिया। निधि बेसमेंट से निकलने की कोशिश कर रही थी। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और उस अंधेरे कमरे का सन्नाटा भी उसे खाए जा रहा था। वो चुपचाप कोने में रखी अलमारी से टिक कर बैठे बैठे रोए जा रही थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जोर से चिल्लाना चाहा कि वो बेसमेंट में फंसी हुई है, कोई उसे बाहर निकाले, लेकिन निधि की आवाज उसके कानों तक पहुंच नहीं पाई। निधि भूख से तड़प रही थी और अपने ही नाखूनों को जमीन पर रगड़ रही थी। जितनी जोर से वो नाखूनों को रगड़ती, उतनी ही तेज उसकी आंखें भी ऊपर नीचे होती जाती। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों से खून निकल रहा है और अमूमन आदत के अनुसार अपनी उंगली मुंह में डाली और अपना ही खून चूसने लगी। छुट्टियां खत्म हुई। सभी अपने ऑफिस पहुंचे। निधि की तरफ अब भी किसी का ध्यान नहीं गया। अपेक्षा को अचानक लंच ब्रेक में याद आया कि हम सबने निधि को बेसमेंट में बंद कर दिया है। सभी दौड़ के बेसमेंट में पहुंचे और अंधेरे में निधि को ढूंढने की कोशिश करने लगे। निधि कहाँ हो तुम? निधि 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 वेयर आर यू निधि? सभी लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से उसे ढूंढ रहे थे। उस कमरे में निधि नहीं मिली। मिलता है तो चारों तरफ खून और नाखून रगड़ने के निशान। अपेक्षा अब बहुत डर जाती है। वो सोचने लगी कि आखिर निधि गई कहाँ? कहीं अपेक्षा का ये मजाक निधि पर भारी ना पड़ जाए। वो इतने दिनों से यहाँ पर कैद है, यही सोचते सोचते वो अलमीरा से जा टिकती है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस होता है कि कुछ खून की बूंदे उसके सर पर गिरी है। अपेक्षा जैसे ही ऊपर देखती है तो उस बड़ी सी और लंबी अलमारी के ऊपर उसे एक परछाई सी दिखाई देती है और साथ ही निधि दिखाई देती है जिसके मुंह से खून टपक रहा है। और ये क्या,
निधि ने अपना ही आधा हाथ खा लिया है। और ऐसा मंजर देखकर अपेक्षा की चीख निकल जाती है। अपेक्षा और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। निधि अपने होश खो बैठी थी। वो खुद नहीं जानती थी कि आखिर वो कर क्या रही है। अपेक्षा के चार बाकी साथियों में से एक साथी ने पुलिस और हॉस्पिटल में फोन किया, लेकिन उनके आने में अभी देर थी। निधि की मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। उस अंधेरे ने और उस भूख ने उसे न जाने क्या बना दिया था। निधि को इस हालत में देखते हुए अपेक्षा ने निधि से डरते और रोते हुए कहा, निधि I'm sorry, मेरी वजह से ये सब, प्लीज निधि नीचे आ जाओ। अपेक्षा की आवाज सुनते ही निधि ने अपेक्षा की ओर छलांग लगाई और उसके गले पर अपने आधे खाए हुए हाथ से वार किया और उसे बुरी तरह काट लिया। निधि इतनी भूखी और खून की प्यासी थी कि एक एक कर सभी को उसने मौत के घाट उतार दिया और लाशों के पास बैठकर उन्हें खाने लगी। उसी बीच दिवाली की रात उस बड़ी अमावस पर आई एक रूह निधि के शरीर के आर पार होकर निधि को बुरी तरह तड़पाने लगी और फिर निधि के कमजोर शरीर पर अपना कब्जा जमाने लगी। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल और पुलिस वाले बेसमेंट में पहुंचते हैं और निधि के मुंह से टपकते खून और आधे खाए हुए हाथ को देखकर सहम जाते हैं और जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि निधि के शरीर में एक रूह का वास है। गाइस, कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शेयर कीजिए, खुद भी डरिए, दोस्तों को भी डराइए, अपना और अपने स्वभाव का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस।